हेलो स्टूडेंट्स, रीना मैम की ऑनलाइन क्लास में स्टार एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। यहाँ पर जैसा कि आप नाम में भी देख पा रहे हैं कि प्रोनाउंस नाउंस सर्वनाम में प्रोनाउन में पहले से ही ऑलरेडी है। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वर्ड्स दैट आर यूज्ड, वर्ड्स मतलब शब्द, दैट आर यूज्ड जो प्रयोग किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउंस, नाउंस की जगह, संज्ञा की जगह, नाउन क्या होती है संज्ञा, आर कॉल्ड प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में ये परिभाषा हो गई, लेकिन इंग्लिश में भी हम वही कहते हैं कि नाउन की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन सीखने से पहले हमें नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन सिखाने के लिए ऑलरेडी मैंने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां से वीडियो देख सकते हैं। और एक बार हम इस वीडियो में भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर है नाउन और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और नाउन क्या होता है, ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन किसी भी पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी कि किसी भी जगह या स्थान का नाम, थिंग कोई भी वस्तु और या एनिमल प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पर्सन और पीपल। पर्सन व्यक्ति को हम पीपल भी कह सकते हैं, जैसे कि सीता, गीता, राम, श्याम, रोहन, मिस्टर सोहन, मिसेस वर्मा। तो इस तरह से किसी भी पर्सन का नाम वो क्या होता है, नाउन होता है। उसके बाद है प्लेसेस। प्लेसेस क्या हो सकते हैं, जैसे आपका स्कूल है, और फिर हॉस्पिटल, कोई पार्क है, इन सभी जगहों के स्थानों के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। थिंग्स, थिंग्स में क्या हो सकता है, फुटबॉल है, गिलास है, बुक है, नोटबुक है, पेंसिल, इरेजर, कप, बोर्ड, इस तरह से कोई भी चीज उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। ऐसे ही एनिमल में आ जाते हैं, कैट, डॉग, काओ, बुफेलो एटसेट्रा। तो यहां से हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। और नाउन की जगह यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, आई और यू। इस तरह से इन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। ही का मतलब होता है वह, और यह यूज होता है फॉर बॉयज यानी कि मेल के लिए, पुलिंग के लिए, पुलिंग के लिए। ही हम यूज करते हैं पुलिंग के लिए, और शी का मतलब भी होता है वह, और यह यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए। फीमेल्स के लिए इट यह कोई भी वस्तु है, थिंग्स हैं, उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज माय पेन और इट इज ब्लू इन कलर। तो इस तरह से वाक्यों में प्रयोग करते हुए किसी भी वस्तु के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। दे का मतलब वे, ये होती है प्लूरल फॉर्म में। वी
मतलब हम, आई मैं और यू तुम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नाउन्स के जगह जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही शी इट दे वी आई और यू। एक एग्जाम्पल देखते हैं इनको यूज कैसे करते हैं। मान लेते हैं मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम इज अ गुड प्लेयर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक सेंटेंस में मैंने राम 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 यूज किया है, लेकिन अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। अब राम क्योंकि बॉय है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर देखिए फॉर बॉयज पुलिंग के लिए हमने क्या यूज करना है, ही। तो ही यहां पर अगर उसको रिपीट करना है तो हम उसके लिए करेंगे यूज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड और ही। फिर से राम आया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही इज अ गुड प्लेयर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन के सहायता से हम सेंटेंस को सुंदर भी बना सकते हैं, अपने कथन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम एक एक प्रोनाउन को देखते हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इनके लिए कि ही हम किन किन के लिए यूज कर सकते हैं। ही सबसे पहले मैंने बताया कि किसी भी मेल के लिए यूज करते हैं, यानी कि बॉय के लिए द बॉय, और क्या हो सकता है अंकल के लिए यूज करते हैं, अपने फादर की अगर हमें बात करनी है इंग्लिश में तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हम ही का यूज करते हैं, और अगर हमें किसी डॉक्टर की, डॉक्टर राजीव, इस तरह से अगर हम किसी डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए भी हम ही यूज करेंगे, अपने फ्रेंड के लिए जो कि एक लड़का है उसके लिए भी हम ही का यूज करेंगे। इसी तरह से शी देखते हैं किन किन के लिए लगा सकते हैं। सबसे पहले शी फीमेल्स के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए, द गर्ल, और आंट के लिए, आंटी के लिए, और अपनी मदर के लिए, सिस्टर के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए अगर वो हमारी फ्रेंड गर्ल है लड़की है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे, और किसी का जैसे मिसेस शर्मा, इस तरह से किसी भी औरत के बारे में बताते हुए हम शी का यूज करेंगे। अब है इट। इट का हम यूज कहां पर कर सकते हैं, जैसे कोई फ्रूट है लाइक एप्पल बनाना एटसेट्रा, इस टाइप से कोई भी फ्रूट है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। कोई भी थिंग है, कोई भी चीज है, वस्तु है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट के लिए। स्कूल के लिए, स्कूल के बारे में बताते हुए हम इट का यूज करेंगे, हमारी बुक है, स्टेशनरी, जितनी चीजें हैं, बुक है, पेंसिल है, शार्पनर है, पेन है, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। और घर की चीजें हैं जैसे बॉक्स है, कप है, इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। और उसके बाद देखते हैं दे का हम यूज करेंगे जब दो या दो से ज्यादा होते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं और क्लासमेट्स होते हैं उनके लिए,
सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स के बारे में, सिबलिंग्स के लिए हम दे का यूज करेंगे, अपने मोम एंड डैड के लिए फादर एंड मदर, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के बारे में बताते हुए ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स के बारे में, बॉयज के बारे में, गर्ल्स के बारे में बताने के लिए हम किस चीज, किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। और अब हम इस एक्टिविटी के बाद करने वाले हैं एक वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमें करना है कि जहां भी नाउन है तो उसको चेंज करके सेंटेंस को रीराइट करना है, यानी कि दोबारा लिखना है और उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है मोहन इज अ गुड बॉय, तो मोहन एक बॉय है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, क्या यूज करेंगे, ही इज अ गुड बॉय। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। सेकंड है संगीता इज अ टीचर, संगीता एक लड़की है, लेडी है, वुमेन है, तो संगीता के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे, शी इज अ टीचर। इस तरह से आपको ये सेंटेंस दोबारा लिखने हैं। टॉमी इज माय बेस्ट फ्रेंड, टॉमी इज अ बॉय, सो हियर वी विल राइट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम एंड श्याम के लिए हम यूज करेंगे दे, वे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग यानी कि वे खेल रहे हैं। दिनेश एंड दिव्या आर डांसिंग, दिनेश एंड दिव्या के लिए यूज करेंगे दे आर डांसिंग। और फिर है द हाउस नीड्स अ कोट ऑफ पेंट्स, द हाउस के लिए मैंने बताया था क्या यूज करेंगे, इट नीड्स अ कोट ऑफ पेंट्स। आगे है माय मॉम एंड आई प्लेड लूडो, माय मॉम एंड आई के लिए यूज करेंगे वी प्लेड लूडो। तो उम्मीद करती हूं आज के इस वीडियो में हमने नाउन को रिवाइज किया और प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ सीखा और उससे संबंधित एक्टिविटी और वर्कशीट की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।